हेलो, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको एक और न्यू वीडियो में। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके वजह से आप अपने कॉइन्स को लूज़ करते हैं। बट इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने कॉइन्स को लूज़ नहीं, इंक्रीज़ करेंगे। इसलिए भाई वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ना भाई, बहुत लोग कॉइन्स लेते हैं, फिर कुछ टाइम बाद ही मैसेज आता है कि भाई कॉइन्स तो खत्म हो गए। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हैकर्स की वजह से कॉइन गए, बट देखा जाए तो भाई मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स के कॉइन्स हैकर की वजह से ही आते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके कॉइन्स ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स का बात करते हैं जिसके वजह से आपके कॉइन्स खत्म होते हैं, और वो है स्टिक टू वन टेबल। भाई बहुत सारे प्लेयर्स का आदत होता है कि वो लोग सिर्फ एक या दो ही टेबल प्ले करेंगे, लाइक मुंबई प्ले करेंगे या तो मियामी प्ले करेंगे, नहीं तो बर्लिन ही प्ले करेंगे। भाई ऐसे प्लेयर्स गेम ओपन करेंगे, यही सब टेबल्स प्ले करेंगे, हारे जीते भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर वापस से गेम बंद कर देंगे। पर भाई आपको ऐसा नहीं करना है। सारे प्लेयर्स सब जानते हैं कि आज के टाइम में हैकर्स कितने सारे हैं गेम में, चाहे बर्लिन बोल लो, चाहे मुंबई बोल लो, चाहे नाइन बोल लो, मियामी बोल लो, हर एक जगह हैकर्स भरे हुए हैं। तो इसीलिए भाई आप एक टेबल पे स्टिक हो ही नहीं सकते। अगर आपको पॉइंट्स बढ़ाने भी हैं तो वो आपके रोम और बैंकॉक से भी बढ़ जाएंगे। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि अगर आप लोग को एक्चुअल में कॉइन्स इंक्रीज करने होते हैं तो भाई छोटे टेबल से इंक्रीज होते हैं, वो बड़े टेबल्स प्ले करके इंक्रीज नहीं होंगे, जितने होंगे उतने डिक्रीज हो जाएंगे। इसलिए भाई रोम, बैंकॉक, सियोल, ये सब टेबल्स प्ले करो, छोटे टेबल्स भी प्ले करो। मैं ये नहीं कहता कि बर्लिन वगैरह प्ले ना करो, प्ले करो, बट सिर्फ उसी को मत करो। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। नाउ अब अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं। एंड हमारा सेकंड पॉइंट है चूज टेबल अकॉर्डिंग टू योर लेवल। भाई ये गेम अब पहले से पूरा अलग हो चुका है। ये गेम पहले की तरह नहीं रहा कि आप कोई भी लेवल में हो, आपको कोई भी टेबल प्ले करने का मन करे आप जाके प्ले कर लो, अब वैसा नहीं रहा है। पहले जितने भी बड़े प्लेयर्स थे वो अपने बड़े अकाउंट को प्ले करते करते बोर हो जाते थे, तो वो अपने छोटे अकाउंट बनाते थे एंड उसको प्ले करके ग्रो करते थे। बट अभी आपका 2-3 साल से जब से हैक्स वगैरह आया है, चीटो वगैरह आया है, उसके बाद से बड़े प्लेयर्स छोटे अकाउंट नहीं बना रहे, हैकर्स तो अपने छोटे छोटे अकाउंट्स बनाकर उसमें कॉइन्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो भाई इसीलिए अगर आप लोग का आज के टाइम में लो लेवल है एंड अगर आपने थोड़ा भी हाई टेबल्स प्ले करने का, लाइक सियोल हो गया, मुंबई हो गया, तो भाई यहाँ आपको हैकर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल भाई अगर मैं अपना अकाउंट को आप लोग का बताऊँ तो मेरे पास एक ब्लैक डायमंड का अकाउंट है एंड मैं सोच रहा था कि यार उसको थोड़ा ग्रो किया जाए, उसको कम से कम 150-200 लेवल के आसपास उसको ले जाया जाए। उस अकाउंट का लेवल अभी 95 के समथिंग है एंड उसी अकाउंट में 380 मिलियन के आसपास कॉइन्स थे मेरे, ठीक है। अब भाई मैं गेम प्ले करने गया, फर्स्ट मैच बर्लिन, हैकर लॉस। सेकंड मैच गया मुंबई में, उसमें भी हैकर, वो भी गया। थर्ड मैच सियोल, हैकर लॉस। फोर्थ मैच फिर मुंबई में गया, उसमें भी हैकर मिला, गया। पांचवा मैच गया बर्लिन में, सोचा वहाँ जीत जाऊँ, ब्रेक मिला, हल्का सा मिस हुआ लास्ट में, हैकर, वो भी गेम गया लॉस। मतलब भाई लगातार हैकर्स एक के बाद एक खाली हैकर्स मिल रहा है, वो भी हर टेबल पे। कॉइंस मेरा 280 मिलियन के आसपास हो गया था। इसलिए भाई अभी के टाइम में आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको अपना टेबल चूज करना चाहिए। लाइक अगर आप बैंकॉक तक प्ले करते हो तो आपका कोई भी लेवल हो बैंकॉक तक तो आपको उतने हैकर्स मिलेंगे नहीं, बट अगर आप बैंकॉक के ऊपर जाते हो, लाइक सियोल, मुंबई या बर्लिन वगैरह प्ले करते हो, तो भाई आपको आपका लेवल का ध्यान रखना जरूरी है। लाइक अगर आपका लेवल 50 से 100 के बीच में, तो भाई आपको बड़े टेबल्स में 10 में से 9 या 10 आपको सारे हैकर्स मिलेंगे। और अगर आपका लेवल 100 से 150 के बीच में, तो आपको बड़े टेबल्स में 7 से 8 हैकर मिलेंगे एंड बाकी के जो रहेंगे वो आपके एक आध दो आपको नॉर्मल प्लेयर्स मिल सकते हैं, फेयर प्लेयर्स। और अगर आपका लेवल 150 से 200 के बीच में, तो आपको 5-6 हैकर्स मिलेगा और आपको 5-6 फेयर प्लेयर्स भी मिल सकते हैं। और अगर आपका लेवल 200 के प्लस है, तब उस केस में आपका रैंडम हो जाता है, कभी आपको ज़्यादा हैकर्स मिल जाते हैं या तो कभी आपको कम हैकर्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े लेवल्स में हैकर्स नहीं मिलते, हैकर्स मिलेंगे एंड बड़े लेवल के अकाउंट के भी हैकर्स होते हैं। बहुत लोग हैक अपने बड़े बड़े अकाउंट्स में लगा के चलते हैं, तो हैकर मिलेंगे लेकिन उतने नहीं मिलेंगे। इसलिए भाई अगर आपका लेवल कम है तो ये जितने भी बड़े बड़े टेबल्स हैं उनको थोड़ा अवॉइड करो। नाउ अब अपने थर्ड पॉइंट पे बात किया जाए एंड वो है डोंट प्ले व्हेन यू आर लूजिंग। भाई जब आप देख रहे हो कि आप लूज कर रहे हो लूज किए ही जा रहे हो, तो भाई गेम रोक दो, मत प्ले करो। आपको गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको चिड़ मचेगा कि भाई इतना इजी गेम मैं कैसे लूज कर गया, भाई इतना इजी शॉट था मैं से कैसे मिस हो गया। ये सारे इमोशंस, ये सारे थॉट्स को भाई साइड में रखो, गुस्सा को शांत करो एंड अपना गेम को बंद कर दो। क्योंकि भाई अगर आप खेलोगे तो यार कॉइन्स का खत्म होना पक्का है। आपके मन में ये थॉट भी आएगा कि भाई बस एक लास्ट गेम और,
एंड वो लास्ट गेम कभी आता ही नहीं है। और या मैं ऐसे बोलूं कि वो लास्ट गेम तब तक नहीं आता जब तक आपके सारे कॉइन्स खत्म नहीं हो जाते। जैसा कि मैंने इसके पहले वाला पॉइंट्स में बोला था कि मैं लगातार 5 मैच लॉस किया। भाई मैं 3 मैच लॉस करने के बाद भी रुक सकता था, पर भाई मेरे को तो जीतना था, विन करना था, उसी के चक्कर में 100 मिलियन और लॉस हो गए। पर भाई इतना था कि मैं लास्ट में जाके खुद को रोक दिया, इसलिए 100 मिलियन ही हुए, नहीं तो जो सिचुएशन था ना, मेरे को लग रहा था मैं अपने पूरे कॉइन्स खत्म कर दूंगा। एंड भाई एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी हैकर्स को लेके गुस्सा मत होना, क्यों देखो हैकर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हैकर्स तो आएंगे ही। आप एक ही काम कर सकते हो कि भाई छोटे टेबल्स प्ले करो। देखो छोटे टेबल्स में भी हैकर्स आएंगे, लेकिन उतने ज्यादा नहीं आएंगे। मतलब आप 10 मैच प्ले करोगे तो उसमें मुश्किल से 2-3 ही हैकर आएंगे, बाकी कम से कम 7-8 प्लेयर्स आपको फेयर तो मिलेंगे ना, तो आप वो कर सकते हो। अगर हैकर्स की वजह से आप फ्रस्ट्रेट होते हो तो भाई छोटे टेबल्स में आ जाओ प्लीज। तो मेरे भाई अगर आपको अपने कॉइन्स को है बचाना, तो रिमेंबर वन थिंग, डोंट प्ले व्हेन यू आर लूजिंग। भाई ये थे वो पॉइंट जिसके वजह से आप अपने अकाउंट में से कॉइन्स को खाली किए जा रहे थे। भाई ये सब पॉइंट को देखो, समझो एंड अपने गलतियों को ठीक करो। तो ऑन दिस नोट मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक करना, बिना लाइक किए मत जाना। एंड इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव, एडुकेशनल और बहुत ही अच्छे वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को याद से प्रेस कर देना, आप मेरे वीडियो को कोई भी नोटिफिकेशन को मिस नहीं करोगे। टिल देन कीप प्लेइंग एंड बाय बाय।